एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत बहुत अच्छा रहा होगा। एंड होता है ना, ये इन फेस्टिवल्स होते हैं तो इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग आते हैं, आप लोग हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, तो नो डाउट इन फेस्टिवल्स तो बेस्ट थिंग लगती है मेरे को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ दिमाग में आती है कि हम कौन से काम करें कौन से ना करें। अगर कोई हाउसवाइफ प्रेग्नेंट हुई है तो वो ये सोचती है कि मैं घर के ऐसे कौन से काम है जो मैं करूँ, जो मेरे लिए सेफ है या नहीं है, या मैं नहीं करूँ। जो वर्किंग वूमेन है वो भी ये सोचती है कि मैं कौन से काम करूँ। वो बाहर तो जॉब कर ही रही है, बट वो घर आके कौन से काम मैं करूँ, कौन से नहीं करूँ, किस में उसको रिस्क है, किस में नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेग्नेंट जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको घर के ऐसे कौन से काम है जो आप कर सकते हो और कैसे करने हैं, करने का तरीका। दूसरा, आप कौन से काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी काम करो, घर का काम करो, बाहर का काम करो, कोई भी काम करो, आपको उसमें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप काम कोई भी कर सकते हो बट आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से काम हम कर सकते हैं और उसको करने का तरीका क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो कि हम घर में नॉर्मली करते हैं, जैसे कि हम सब्जी काटते हैं या दूध उबालते हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं किचन में, या कपड़ों को निकाल रहे हैं ना, जो छोटे मोटे काम होते हैं हमारे, तो वो आप कर सकते हो। बट आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, आपको धीरे धीरे करके ही काम करना है। आप ज़्यादा देर खड़े रहोगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, आपको कमर में दर्द होगा और आपको पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी ज़्यादा देर खड़े रहने से। तो आप सब्जी काट रहे हो तो बैठ के काट लो, है ना। अगर आपने कपड़े उतार लिए हैं, आप उनको तह कर रहे हो या उनको लगा रहे हो एक जगह पर, तो आप वो बैठ के लगा लो। तो इस तरह से आप ट्राई करो कि आप जितना बैठ के काम कर सकते हो उतना बेटर है, बट आपको 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है, अदरवाइज आपको पैरों में स्वेलिंग आएगा, पैरों में दर्द होगा और जो कमर है उसमें भी आपको दर्द हो सकता है। दूसरा काम होता है कि हम लोग खाना बनाते हैं किचन में, तो आप खाना, ऑब्वियसली बात है, आप खाना बना सकते हो, आप किचन में बनाओ। सेम मैं यही बोलूँगी कि ब्रेक लेना है, जैसे कि आप पहले सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बना लो, बाद में ब्रेक ले लो, फिर रोटी बना लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर दाल बना लो, फिर ब्रेक ले लो, ऐसे करके। क्योंकि अगर आप जो भी हमारा खाना बनता है जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अगर आप एक साथ बनाओगे तो आपको एक घंटे के अराउंड लग जाएगा और आप थक जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फटीग लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ब्रेक ब्रेक में काम करना है। आप आराम से अपना सब्जी बना लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर रोटी बना लो, फिर ब्रेक ले लो, इस तरह से। तीसरा होता है हम लोग जो पोछा लगाते हैं, है ना, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो मैं बात करती हूँ, अगर आप पोछा लगाते हैं तो ये एंटायरली डिपेंड करता है, जैसे कि आप क्या, मान लीजिए ट्विन प्रेगनेंसी है, आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आपका जो प्लेसेंटा है वो लो प्लेसेंटा है, आपको रेस्ट के लिए बोला गया है, या आपका जो इससे पहले काफ़ी मेजर सी सेक्शन हो चुका है, मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो आप पोछे को अवॉइड करिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करिए, चाहे आप हेल्दी हैं चाहे नहीं, चाहे आपका कोई भी हिस्ट्री रहा है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको कोई हिस्ट्री है तो आप पोछे को अवॉइड करिए, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं। बट आप एक बार पोजिशन डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि लोग ऐसा होता है कि आपको खड़े होकर पोछा लगाने की कोशिश करते हो, बट क्या होता है कभी कभी खड़े होकर पोछा लगाने के आपको पोस्चर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। तो खड़े होकर भी लगाना है तो वो कैसे लगाना है, किस तरह से पोजीशन में आपको सूट करेगा, आप वो ये जरूर जान लें कि कौन सा आपको कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग। और एक हमारा जो लास्ट काम होता है जो कि हम घर में करते हैं, जैसे कि नॉर्मली बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, घर का काम करते हैं, तो सेम यही है कि आप पहले तो ट्राई करिए कि अगर बहुत देर खड़े होने का काम है, ज़्यादा बर्तन है, ज़्यादा कपड़े हैं, तो हेल्प ले लीजिए। कपड़े आजकल मशीन में ऑटोमेटिक जैसे धुल जाते हैं, आप बाहर निकालते हैं, तो अवॉइड करिए कि आप एक साथ सारे कपड़ों को बाहर निकालिए, क्योंकि उनका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो एक साथ नहीं निकालना है, एक एक करके कपड़ा निकालना है, एक एक करके ही लगाना है। बर्तन भी ज़्यादा हैं तो आधे आधे करके धोने हैं। बेसिकली आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनका मेन मोटिव यही है कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम के लिए खड़े नहीं रहना है। 10 मिनट से कम में ही वो काम हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वहीं पर रोक दीजिए और रोक के पहले अपना रेस्ट लीजिए, बाकी का काम बाद में करिए। तो ये काम थे कि कौन से हम कर सकते हैं और उनको करने का तरीका। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करने हैं। पहला, जैसे कि 10 किलो से ऊपर का कोई भी वजन आपको नहीं उठाना है, कोई भी नहीं, किसी की भी हेल्प लीजिए, हस्बैंड की हेल्प लीजिए, फैमिली की हेल्प लीजिए, आपके पास मेड है, हेल्पर है, उसकी हेल्प लीजिए, बट आप 10 kg से ऊपर वेट नहीं उठाओगे बिल्कुल भी। दूसरा होता है कोई भी फर्नीचर शिफ्टिंग नहीं करना है, जैसे कि सोफा इधर है, आपको इधर से उधर करना है, है ना, कोई मेहमान आ गए, आपको बेड इधर से इधर खिसकाना है, या आपको कोई हैवी मैट्रिक्स है उसको इधर से उधर खिसकाना है या उसको उठाना है, आप नहीं करोगे। आप जो आए हैं घर में उनकी हेल्प लो, हस्बैंड की हेल्प लो, हेल्पर की हेल्प लो, फैमिलीज की हेल्प लो, बट आप फर्नीचर
शिफ्टिंग या कोई भी मैट्रेस वगैरह कोई इधर से उधर शिफ्ट करना, ये आप नहीं करोगे। तीसरा है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बैलेंस का डर हो, जैसे कि आप स्टूल के ऊपर खड़े हो, चाहे वो हाई स्टूल है, चाहे वो लो स्टूल है, चाहे वो मिनी लो स्टूल है, कोई भी स्टूल हो उसके ऊपर खड़े होकर जैसे आप जब पंखे होते हैं उसको साफ कर रहे हो, या जो पर्दे होते हैं उनको निकाल रहे हो, उनको लगा रहे हो, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप गिर जाओगे, गिरने की वजह से आपको भी हार्म होगा, आपकी बेबी को भी हार्म होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कोई भी बैलेंस का प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, और किसी तरह की कोई भी ऐसी हील्स वगैरह ऐसा फुटवेयर्स भी नहीं पहनना है जिनमें थोड़ा बहुत भी बैलेंस का प्रॉब्लम हो, जो भी पहनना है बिल्कुल फ्लैट पहनना है इस टाइप पर। नेक्स्ट होता है पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है, जैसे कि घर में कॉकरोच ज़्यादा आ गए हैं, घर में दीमक ज़्यादा लग गई है, तो पेस्ट कंट्रोल आप अगर घर में हो तो आपको नहीं कराना है। फैमिली कराना चाहती है तो आप शिफ्ट हो जाओ, अपने घर चले जाओ, कहीं और चले जाओ जब तक उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। क्योंकि जो पेस्ट कंट्रोल होता है, जो पेस्टिसाइड्स चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो आप इनहेल करोगे वो आपको भी हार्म करेंगे, बेबी को भी हार्म करेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी पेस्ट कंट्रोल मत कराइए, कराना है तो आप जब तक का वो टाइम ड्यूरेशन होता है 1 वीक का, तब तक आप चले जाइए वहां से, और जब वो कंप्लीट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो आप वापस आ जाइएगा। लास्ट होता है आपको डस्टिंग वगैरह अवॉइड करनी है, क्योंकि डस्टिंग से क्या होता है, एलर्जी हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो आप बहुत ज्यादा अनईजी फील करते हो, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको बहुत ही कोल्ड फील होता है, कफ फील होता है, और आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो इसलिए आप डस्टिंग को भी अवॉइड करिए, जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा डस्टिंग का। तो ये काम थे जो आपको नहीं करने हैं, जो आपको अवॉइड करने हैं, एंड कुछ काम जो मैंने बताया जो आपको करने हैं और करने का तरीका। तो ये वीडियो था बेसिकली सारी मदर्स के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, क्योंकि सबका दिमाग में आता है कि आप कौन सा काम करें कौन सा ना करें। काम आप सारे कर सकते हो, इसका जो एक कंक्लूजन मैं बनाऊँ तो वो यही है, काम आप सारे कर सकते हो, बट रेस्ट लेकर ब्रेक लेकर 10 मिनट से ज़्यादा आपको खड़े नहीं होना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना आपकी सारी फैमिली फ्रेंड्स में, और जिससे कि उनको भी पता चले, वो भी अवेयर हो, उनको भी बेनिफिट हो। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई और हेल्थ अवेयरनेस पे वीडियो चाहिए मैं वो भी बना दूंगी। अब हम मिलते हैं कल दूसरे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।